वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक है, टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। हम इक्वेशंस को कैसे इन्फॉर्मेटिव और बनाएंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में बैलेंसिंग करी थी और ये पढ़ा था कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब इसमें हमने पढ़ना है कि इक्वेशन को कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। और तो इसके थ्री वेज होते हैं और इन्फॉर्मेटिव बनाने के किसी भी इक्वेशंस को। फर्स्ट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि हम किसी भी इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट से कैसे इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है द बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। नेक्स्ट है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि उसकी कंडीशन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है कंप्लीट। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे इसके। तो फर्स्ट है बाय टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। इक्वेशन में हम किसे इंडिकेट करेंगे, अब उनकी फिजिकल स्टेट को, किसकी, रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की। तो फिजिकल स्टेट्स हमारी इसमें फोर टाइप्स की होंगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड एक्वस। मेनली जो फिजिकल स्टेट्स होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसमें एक एक्वस स्टेट है। एक्वस स्टेट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ अगर वाटर में सॉल्यूबल है तो हम उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस स्टेट। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, किसका, सॉल्ट का। तो अब जो इंडिकेट करते हैं, अब हम डायरेक्ट से हमने इक्वेशन लिखी, जैसे ZN, कोई भी हम इक्वेशन लिखेंगे, ZN है प्लस H2SO4 है, ZnH2SO4 गेट ZnSO4 प्लस H2, जैसे कोई भी इक्वेशन है। अब इक्वेशन में क्या होता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा होता है कि रिएक्टेंट हमें किस फॉर्म में लेने हैं वो डिसाइड होता है कि हमें सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है या गैस लेना है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे कि जिंक सॉलिड लिया तो पूरा सॉलिड लिखेंगे, H2SO4 लिक्विड स्टेट में तो पूरा लिक्विड लिख देंगे या एक्वस लिख देंगे। तो इसका क्या होता है, टर्म सिंबल्स होते हैं, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं कि सॉलिड स्टेट को हम किससे डिनोट करते हैं, S से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, लिक्विड स्टेट को हम L से करते हैं स्मॉल, गैसेस स्टेट को G से एंड एक्वस सॉल्यूशन को AQ से, इससे डिनोट करते हैं। अब जैसे इक्वेशन एग्जांपल में दी गई है, Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें जो जिंक लेते हैं हम जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, एंड H2SO4 को लेते हैं एक्वस स्टेट में, एक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूबल होता है ये। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 जो बनता है वो भी एक्वस स्टेट का होता है और H2 किसका होता है, गैस, H2 गैस। तो इसको जो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम फिजिकल स्टेट्स के साथ, Zn सॉलिड स्टेट में तो S प्लस H2SO4 एक्वस स्टेट में तो क्या लिखेंगे, AQ गैस, ZnSO4 ये भी एक्वस में ही बन रहा है हमारा, प्लस H2 गैस, गैस है तो क्या लिखेंगे हम इसमें, जी, स्मॉल जी। फिजिकल स्टेट से ऐसे इंडिकेट करते हैं किसी भी इक्वेशन या रिएक्शन को। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। अब हम इक्वेशन में ये पता लगाएंगे कि हीट चेंजेस कैसे हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो इसकी दो टाइप्स की रिएक्शंस होती है हीट चेंजेस से रिलेटेड। वो दो टाइप्स की कौन सी होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जाम्पल है, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। इसमें क्या बोला गया है कि कार्बन है, कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन में, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और विद द लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट निकल रही है उसमें। तो देखिए, कार्बन है, कार्बन किस फॉर्म में है, स्टेट से पता चल जाएगा, ये जो हमने फिजिकल स्टेट को लिखा हुआ है, कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखा है, O2, ऑक्सीजन हमेशा गैसेस स्टेट में ही लिखेंगे इसमें। देन जब ऑक्सीजन और कार्बन
मिक्स हो रहे हैं, ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है? CO2। CO2 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में होता है, प्लस हीट। अब एक चीज़ से भी पता लगा सकते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट साइड में हीट को हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। और जब हीट इवॉल्व होती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH4 गैस स्टेट प्लस O2 गैस स्टेट गिव्स CO2 गैस स्टेट प्लस 2H2O ये भी गैस स्टेट प्लस हीट। अब इसमें क्या है, CH4 को बोलते हैं मीथेन, और मीथेन को दूसरा नाम मीथेन का होता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ही मीथेन होती है, प्लस O2। तो इसमें क्या हुआ है, मीथेन को जब हमने बर्न करा है ऑक्सीजन में तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना है, प्लस वाटर भी बनेगा इसमें, एंड प्लस हीट। प्रोडक्ट साइड में हीट है तो क्या पता चल रहा है कि जो हीट है वो क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। और जब इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये भी किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO। इसकी स्टेट है N2 की गैस, और ये क्या है? नाइट्रोजन, O2 से ऑक्सीजन, एंड 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब आप इसमें देखो, अभी तक जो हमने पिछले एग्जांपल देखे थे उसमें जो हीट थी वो किस साइड थी? प्रोडक्ट साइड थी। तो इसका मतलब क्या था कि जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। लेकिन इसमें अब जो हीट है वो किस साइड है? रिएक्टेंट की साइड है, रिएक्टेंट साइड है। तो इसका मतलब क्या है, जो हीट है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब्ड हो रही है, रिएक्शन में एब्जॉर्ब्ड हो रही है। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन किस टाइप की होती है? एंडोथर्मिक टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट प्लस हीट गिव CaO। CA को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में। इसमें भी आप देख सकते हैं जो इसमें हीट है वो रिएक्टेंट साइड है, इसका मतलब क्या है? जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इस रिएक्शन में, और एब्जॉर्ब हो रही है तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस भी किस टाइप का होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें हम जो हीट है वो एक तरह से सनलाइट से होती है, और इसमें भी हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस भी। अब इसका हमारा थर्ड पॉइंट है टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमें ये इंडिकेट करेंगे रिएक्शन में कि किस कंडीशन में हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, उसको हम इक्वेशन में कैसे इंडिकेट करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट है, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस देन द हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। इसमें बोला गया है कि अगर हमारी किसी भी रिएक्शन में हीट रिक्वायर कर रहे हैं हम, तो एरो के ऊपर डेल्टा साइन बनता है, वो डेल्टा साइन शो करता है कि हम इसमें हीट रिक्वायर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। इसमें एग्जाम्पल ये 2KClO3 सॉलिड स्टेट में है, KClO3 को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और ये गिव्स क्या बन रहा है? 2KCl प्लस 3O2। लेकिन इसमें दिया गया है कि पोटेशियम क्लोरेट इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। हीट करा गया है किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन और जल्दी क्या होती है? कंप्लीट होती है। ये प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बनाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में इसका और कोई हेल्प नहीं होती, या इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता अंदर। बस ये एक काम करता है कि जो रिएक्शन हमारी लेट हो रही होती है उसको क्या करता है? जल्दी कर देता है, खाली स्पीड उसकी इंक्रीज कर देता है। तो अब इसे क्या करते हैं, हीट चाहिए, हीट रिक्वायर हो रही है, तो डेल साइन बनाएंगे। ये किस लिए? कि हीट में हो रही है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इस मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इसे भी कहाँ लिखेंगे? एरो के नीचे। आप नीचे ऊपर कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन डेल साइन इसलिए लिखा है क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं इसे, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है मिथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल था मिथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि जो मिथेनॉल है वो किससे बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के बीच जब रिएक्शन होगी तब बन रहा है मिथेनॉल। तो CO कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, टू
2H2 गैसीय स्टेट और बन रहा है CH3OH. CH3OH क्या है? मिथेनॉल. तो इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि ये जो बनेगा वो 300 ATM मतलब प्रेशर, 300 प्रेशर पे और 300 डिग्री सेल्सियस ये इसका टेम्परेचर. नेक्स्ट है इसमें जो कंडीशन प्रेजेंस है वो है ZnO प्लस CrO3. ये इक्वेशन इनकी प्रेजेंस में होगी तब क्या बनेगा? मिथेनॉल बनेगा. इसमें जो टेम्परेचर प्रेशर होता है उसको भी हम एरो के ऊपर या नीचे शो करते हैं, ठीक है. या फिर इक्वेशन जो है वो जिसकी भी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है या रिएक्शन जिसकी भी प्रेजेंस में हो रही है उसको हम क्या करेंगे? एरो के ऊपर ये नीचे लिख लेंगे. अब इस इक्वेशन में से CO प्लस 2H2 किसके प्रेजेंस में हुआ? इसमें 300 डिग्री तो टेम्परेचर होना चाहिए. किस हमने कितना प्रेशर दिया? 300 ATM. और साथ ही साथ ZnO प्लस CrO3 की प्रेजेंस में हुई है तब हमारा मिथेनॉल बना है. ये इसमें बस इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो अगर ये समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें.